सैम कुछ याद आया? लेकिन ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? देख लो, जब मैं सिला को उसकी बिना मर्जी के घर से भगा सकती हूँ तो तुम्हें भी 10,000 और चेन के चक्कर में पुलिस में पकड़वा सकती हूँ। क्या पागल हो तुम? अपने छोटे भाई को पुलिस में पकड़वाओगी? कैसी बहन हो तुम? ठीक है, नहीं पकड़वाऊंगी, लेकिन तुम ये मानो कि चेन और 10,000 तुमने ही चुराए। हाँ ठीक है, मैंने लिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी की है। गुड, तो फिर डील डन। कैसी डील? 10,000 तुमने चुराए और अब ये चेन मेरी होगी। हाँ ठीक है, डील डन। लेकिन तुम दादी और अब्बू को नहीं बता सकती, वादा? पागल हो गए हो क्या? अगर मैं दादी और अब्बू को बताऊंगी तो चोर मेरा सका भाई होगा और वो सिला बेकसूर बच जाएगी। उसको तो मैं बचने नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो मुझसे जेलिस होती है। मेरी अच्छी वाली बहन। लेकिन मेरी शर्त वही पुराने वाली है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आइंदा भी दूंगा। तो फिर ठीक है, हम उनका मिलकर जीना हराम कर देंगे। लेकिन वो तो पहले से ही बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। बस हमने उनको इसी तरह उलझाए रखना ताकि वो हमारे काम में टांग ना अड़ाए। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ना। डन है। महक, सालन पास करना। पता है कल रात क्या हुआ? मार्केट में चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अरे वाह, मार्केट में भी चोर पकड़े जाने लगे, यानी चोरों की शामत आई हुई है। तौबा है तौबा, क्या हशर किया है उन्होंने उस चोर का। अच्छा, कौन कौन सी सजा दी उस चोर को? पहले तो उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई की, फिर जूतों का हार पहनाया। वेरी गुड। फिर उसका मुंह काला करके उसे पूरी मार्केट का चक्कर लगाया। उसको गंजा कर देना चाहिए था ताकि नेक्स्ट टाइम वो चोरी ना करे। वैसे महक, अगर कोई अपने ही घर में चोरी करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको भी गंजा कर देना चाहिए। क्यों सिला? सिला, सिला कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो? ये लेक्चर हमें नहीं, जाके सिला को दो, जिसकी वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं। मैं उस्ताद शफकत जीटा। साला अपने आप को बहुत होशियार समझता है, राजू उस्ताद का पैसा खाने के चक्कर में। उस्ताद इससे पहले ये भाग जाए इसको यहीं घेर लेते हैं। चला जा। अबे चाय कैसी है? ठीक है, देख ले कंजूस के बच्चे, पता चल जाएगा। अबे साले टुच्चे, इतनी मार खाने के बाद भी तेरे भरम नहीं गए? अबे राजू साहब आप, अगली कसम मैंने थोड़ी देखा था, बैठे सही खड़े की। अबे सलीम, अबे खड़क में बैठना। और राजू साहब क्या चलेगा, चाय ठंडा? अबे यहाँ सिर्फ गोली चलेगी। अरे यार क्या हो गया राजू भाई? यार सलीम किस तरह की बातें कर रहे हैं? बात सुन, बहुत हो गई तेरी होशियारी, अब तो तूने फोन नंबर भी बदल लिया। उस्ताद इससे तो अपना घर भी चेंज कर लेंगे। पैसे कब दे रहे? पैसे हाँ दे दूंगा राजू भाई, को पहली बार थोड़ी नहीं है। बताया सलीम, पिछली दो दफा लिए थी, दिए ना टाइम पे। वो तो पिछली बार बस थोड़े से देरी हो गई थी बस। वो मैंने पूछा पैसे कब दे रहे? पैसे वो, हाँ हाँ याद आया, वो मैच है ना इतवार को इंडिया पाकिस्तान का, है भाई सलीम? है बस दे दूंगा। और इस बार भी अगर तू हार गया तो?
क्या हो गया सलीम, मुंह से अच्छी बात निकाल, समझाओ साहब। दे दूंगा, हर बार अब किस्मत थोड़ी खराब होती है। आखिरी मौका है तेरे पास, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तू मेरे हाथों से मरेगा। दे दूंगा उस्ताद, मैं क्यों नाराज हो रहे हो? अच्छा चाहे तो पियो, अल्लाह की कसम बहुत मजे की है कसम से। चल सलीम। चल अम्मी, क्या हुआ? बहुत चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार आपको कहा है कि बिला वजह की परेशानी मत लिया करें? जब आंख ही खुले बुरी खबर से और हर कदम पर कोई नया हादसा, तो परेशानी तो होती है ना। मुझे लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप अभी फौरन डॉक्टर के पास चले। नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आप जिद मत करें, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर अच्छी चीज नहीं है। आप चले उठे। तुम क्या चाहती हो कि अम्मा के सामने जाके हाथ फैलाऊं और पैसे मांगूं और एक नया हंगामा खड़ा करूं उस घर में? अम्मी ये कैसे उसूल है? साइम और महक कितने पैसे उड़ाते हैं, फजूल चीजों में खर्च करते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। और हमारे लिए हॉस्पिटल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। अपना खून मत जलाओ, बस सबर करो, जाओ उस दराज में गोली रखी ला के दो। ओ हेलो, क्या सोच रहा है यार? कल रात कितनी तफरी की ना हमने। कल रात का तो पूछ मत यार, फुल गोल्डन नाइट थी, शीशा बोटिंग फुल चिल माहौल था। सोच अगर हम भी रोजाना ऐसे तफरी करें, मजा आ जाएगा यार। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना रोज रोज। क्यों नहीं हो सकता, राहिल और उसके फ्रेंड्स भी तो रोज रोज पार्टी करते हैं। बेटा राहिल के बाप के पास बहुत पैसा है, वो कर सकता है। बस मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब हमारे पास पैसे आए। वैसे पैसा तो तेरे बाप के पास भी बहुत है। हाँ मगर मुझे वो देते कहाँ हैं पैसे? देख ये तेरा टैलेंट है कि उनसे पैसे निकलवाने कैसे, फिर हम भी राहिल को बता सकेंगे कि पार्टीज होती क्या हैं। तू सही कह रहा है खावर, पैसे निकलवाने का टाइम आ गया है। चिल मार यार। अब्बा जान मैं क्या करूं, कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर इल्जाम है। मम्मी ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया और अब मेरे बाल भी काटने वाले हैं। पहले मुझे कमबख्त मनूत और अब चोर के नाम से पुकारने लगे। अब्बा जान मुझे अपने पास बुला ले, मेरी वजह से अम्मी और जन्म की जिंदगी अजाब हो गई है। आप मुझे बुला ले, मुझे नहीं जीना। ठीक ही तो कह रही हूँ, जब इंसान अपने लक्ष्य। दादी अम्मा मैं टीवी ऑफ करती हूँ तो आपको बुरा लगता है, अब आपने खुद ही टीवी ऑफ कर दिया। हाय तौबा है तौबा महक, एक तो तेरे नखरे नहीं खत्म होते। अच्छा चल ये बता घर में क्या हो रहा है? अम्मी और जन्नत खाना बना रहे हैं। और तुझे बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? आप सिला को चोरी की सजा नहीं देंगी ना? साहिम और तू पागल हो गए हैं क्या? बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम लोग। तो आपको सिला के बाल काटने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ तौबा है तौबा, यहाँ चिड़िया के भी बाल काटो ना तो चैनल वाले पहुँच जाते हैं। और हमने अगर सिला के बाल काटे तो ये चैनल वाले क्या सारी दुनिया वाले उसके साथ हमदर्दी बटोरने बैठ जाएंगे। अरे फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। कहाँ? चल के सिला से माफी मांग लेते हैं। अरे तौबा है तौबा, महक तो इतनी बेसब्री क्यों है? ए थोड़ा सबर का घूट पी ले है? सिला को सजा भी मिलेगी और ऐसा करेंगे कि हम है ना जमान के साथ मशवरा करके उसे सजा देंगे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, अब इधर हो, मैं टीवी देखूं।
सबा फोन उठाओ यार, फोन उठाओ। हेलो। हेलो सबा, तुम खैरियत से तो हो ना? जी हाँ, सब ठीक है। अरे यार, मेरी तो जान निकल गई थी, तो मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ। फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आवाज भी तुम्हारी कुछ बदली हुई लग रही है। मेरा मूड ठीक नहीं है। शफकत ने कुछ कहा है? आप ड्राइव कर रहे हैं? हाँ मैं ड्राइव कर रहा था, अभी साइड में रोक कर तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप घर आ जाए फिर बताते हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है। क्यों? कोई बात तो है। शफकत ने कुछ कहा है? बताओ मुझे क्या हुआ। असल में बात यह है कि मुझे शफकत की जॉब ना होने पर बहुत परेशानी हो रही है। अरे तुम मुझे बताओ ना क्या चाहिए। घर का सारा राशन तो हम ले आए थे। बात वो नहीं है जमान, असल में मालिक मकान बार बार आके अपना किराया मांग रहे हैं। अब लेकिन किराया तो मैंने शफकत को दे दिया था। दे दिया था? हाँ हाँ, वो तो इस बार का दिया था ना, वो पिछली बार का मांग रहे हैं, वो जो उनका बैलेंस रह गया है। अरे भाई तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, कितने महीने का किराया है? 4 महीने। समझो हो गया। और कोई हुक्म? असल में समान मुझे आपसे बार बार इस तरह से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे आप जनाब से बात करती हो, समझी? बदतमीज आदमी हूँ, बदतमीजी से बात करूंगी तो अच्छा लगेगा। जी नहीं, आप कोई बदतमीज नहीं है। लेकिन दुनिया तो कहती है। अच्छा जरा मेरे सामने तो कह के देखे कोई भी, फिर पता चलेगा। तो क्या करूंगी तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस जान से मार दूंगी। इतना गुस्सा? बात गुस्से की नहीं है समान, शायद अपने लिए तो कुछ भी सुन लूंगी या बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपके लिए एक लफ्ज ही सुनूंगी। और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। महक मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है, भाग जाओ। क्यों, तुमने वो चेन नहीं बेची अभी तक? पागल हो क्या, मैं क्यों बेचूंगी? क्यों नहीं बेचोगी? मेरी मर्जी, कोई जबरदस्ती है क्या? बेचू या ना बेचू? ऐसे तो तुम बड़े फायदे में रहोगी, गोल्ड की चेन है, महंगी होती है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए मिले। ये तो अपनी अपनी लक की बात है। जी नहीं, मेहनत भी सारी मेरी और पैसे भी कम मुझे मिले। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अच्छा चलो मुझे 5,000 रुपए दे दो। क्या बट रहे हैं, 5,000 रुपए दे दो। ठीक है मत तो, मैं सबको बता दूंगा कि सिला ने चोरी नहीं की है। जाओ बता दो, तुम खुद ही फंसोगे। जी नहीं, फंसेंगे हम दोनों, क्योंकि अब तुम मेरी पार्टनर हो। सुनो ऐसा मत करना, ऐसे तो सिला की जगह हम दोनों फंस जाएंगे। मेरे पास 5,000 तो नहीं है। तो कितने हैं? एक मिनट देखती हूँ। मेरे पास सिर्फ 3,000 ही। ठीक है 3,000 चलेंगे। बदतमीज।
सबा प्लीज ना यार, थोड़े बहुत पैसे तो दे दो अभी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अपनी बुरी हरकतों से कब बाज आओगे। छोड़ क्यों नहीं देते अपनी ये बुरी हरकतें? यार सबा छोड़ दूंगा ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ ना यार। कहाँ से लाऊं हजारों रुपए तुम्हारे जुए के लिए, और ये जानते हुए भी कि तुमने हारना ही होता है, फिर भी तुम बाज नहीं आते। क्या हो गया सबा तुम्हें? थोड़े से पैसों के लिए खामखा बातें सुनाई पे सुनाई चली जा रही हो। बातें नहीं सुना रही हूँ मैं शफकत, समझा रही हूँ तुम्हें। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने जमान से फ्लैट का किराया एडवांस ले लिया? हाँ तो मजबूरी थी, लिए थे, कोई शौक नहीं मुझे किसी से पैसे लेने के, देने थे किसी के दे दिए मैंने। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, हमेशा कोई ना कोई मजबूरी होती है तुम्हारी, और किसी ना किसी को पैसे ही देने होते। कब बाज आओगे अपनी हरकतों से यार? छोड़ दो ये फ्रॉड करना, आखिर हम कब तक छुपते रहेंगे लोगों से? यार सब छोड़ दूंगा ना यार, प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, अभी दे दो प्लीज थोड़े बहुत पैसे यार। ये बात मैं तुम्हारी पहले भी 10 बार सुन चुकी हूँ, लेकिन अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, पता नहीं कब पड़ेगा। सब प्रॉमिस ना यार, सब कुछ छोड़ दूंगा, अभी दे दो प्लीज थोड़े बहुत। सब प्लीज यार, लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए, अज्जू और उसके लोग पीछे आ रहे हैं मेरे, प्लीज ना यार। सोग मनाने से क्या फायदा? अम्मी आपको मेरी हालत पे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? मेरे तरस खाने से क्या तुम्हारे दामन पे लगा हुआ दाग धुल जाएगा सिला? अम्मी आपको लगता है कि मैं घर से भाग सकती हूँ या मैं कोई चोरी कर सकती हूँ? चलो मान लिया कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, हम तो वैसे भी इस घर में जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी इल्जाम भी चुप रहकर बर्दाश्त कर लेंगे। अम्मी मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महक और दादी अम्मा ये सब कुछ चाले चल रहे हैं। तो तुम क्यों उनके चालों में आ गई? तुम काशिफ से गली में मिलने क्यों गई बगैर मुझसे पूछे? नहीं अम्मी, मैं काशिफ से मिलने नहीं गई थी, वो तो मुझे महक ने बेवकूफ बना के गली में भेज दिया। तो फिर भुगतो तुम। अम्मी मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दे, पहले मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और अब मेरे बाल काटने की बातें की जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है ये लोग कहीं मेरे बाल भी ना काट दे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, कोई काट के तो दिखाए, मैं हाथ नहीं तोड़ दूंगी उसके।